Hi everyone, welcome back to my channel. This is Rajvi. I hope you all are doing great. So today I'm going to share with you guys how to collaborate with brands and how to get free gifts from brands. Yes, बहुत interesting topic पर मैं video बना रही हूँ और आपके अंदर भी ये होगा जो video देख रहे हैं कि यार collaboration कैसे होता है, कैसे इनको free gifts मिल जाते हैं, कैसे free gifts का use कर लेते हैं, इनकी तो मौज है यार, बहुत ज़्यादा मौज है. ये question आपके दिमाग में चल रहा होगा. सेम ऐसा क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलता रहा जब मैं किसी को भी यू नो एक स्टोरी लगाते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कुछ अपना होल वीडियो दिखाते हैं पीआर प्रोडक्ट्स की. तो वहाँ पे मुझे भी होता था यार मतलब अच्छा है, इनको प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और ये कंटेंट भी क्रिएट कर लेते हैं, अपनी प्रोफाइल को भी और स्मार्ट बना लेते हैं, मतलब एक तीर से दो दो निशाने लग रहे हैं इनके, और पेड कलेबरेशन हो तो क्या ही बात है. तो मतलब उस समय पर मैं ये सब देख के मुझे भी होता था कि यार मैं कैसे कोलैब करूँ, कैसे सब करते हैं. जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है ना, सेम चीज़ मेरे दिमाग में चलती है तब कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते. मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, मुझे कहीं से कोई नॉलेज नहीं मिला कोलैबोरेशन का. बट मैंने मतलब देखा, फिर जब मेरे अंदर आ गया ना कि मुझे कोलैब करना है, तो मैंने देखा यूट्यूबर्स को, ब्लॉगर्स को देखा कि वो क्या करते हैं, तो उनसे सीख के कुछ कुछ खुद का दिमाग लगा के तो एक एक्सपीरियंस ले लिया कि कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, कैसे फ्री गिफ्ट्स लेते हैं. वो एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. कह सकते हो कि आज मैं एक जर्नी शेयर कर रही हूँ अपनी कोलैबोरेशन की, कैसे मैंने कोलैब स्टार्ट किया. बहुत लेट स्टार्ट किया, मैं नहीं चाहती आप लेट स्टार्ट करो. मेरे 32 के थे तब मैंने स्टार्ट. आज इस वीडियो के अंदर मैं अपनी जर्नी बताऊंगी कोलैबोरेशन मैंने कैसे स्टार्ट किया और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे एक्सपीरियंस है उसके बलबूते पर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कोलैबोरेशन जस्ट 1000 फॉलोवर्स में. सो विदाउट एनी फर्दर टू, सो लेट गेट स्टार्टेड. ये सबसे पहले मैं मेरी जर्नी बताती हूँ कि मैंने कोलैबोरेशन कैसे स्टार्ट किया. मेरे पास 11,000 सब्सक्राइबर थे 2021 के अंदर ही बात कर लो. तो उससे पहले भी मेरे 5,000, 6,000, 7,000, इसमें देखा होगा आप लोग, इसमें बहुत अच्छा कोलैबोरेशन कर लेते हैं. इवन 2,000 के अंदर ही बहुत अच्छा कर लेते हैं. 5,000 तो 6,000 तो बहुत आगे की बात है. तो उसमें मतलब जब मेरे पास होते थे 5,000-6,000, तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कोलैबोरेशन क्या होता है. मतलब ठीक है लोगों को देख रही हूँ, पर अंदर कभी तलब नहीं जगी कि यार मुझे भी इस तरीके से प्रोडक्ट मिलने चाहिए और मैं कोलैब करूँ और कंटेंट क्रिएट करूँ, प्रोफाइल को और स्मार्ट बनाऊँ. तो मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था. धीरे धीरे टाइम निकलता गया. 2020 के अंदर एक मुझे अपने आप चल के ब्रांड आई मेरे पास, ज्वेलरी आई थी कुछ, मुझे चैन आई थी इस तरीके से, गोल्ड कलर की थी, गोल्डन कलर की थी, बहुत प्रिटी थी वो. तो उनका मैंने रील पोस्ट कर दी और एक स्टैटिक पोस्ट कर दी मैंने. तो मैंने ये उनको दिया था बदले में, तो वो मेरा बार्टर ही था. उसके बाद भी मेरे दिमाग में कभी यूँ नहीं आया, अंदर नहीं आया कि मुझे और कोलैब करना है, मुझे फ्री गिफ्ट चाहिए चाहिए. फिर नेक्स्ट 2021 के अंदर जब मैं डायडम मिस इंडिया मेरी फर्स्ट राउंड ऑफ रह के आ गई, तब फैब के अंदर मुझे एक चल के स्वास्थ्य का योगा लाइफ से मुझे योगा मैट वाले ने मुझे योगा मैट भेजा, तब वो मुझे रिसीव हुआ. इवन वो मेरा पेड कोलैबोरेशन था. मुझे बिलीव नहीं होगा, मतलब वो जो पहले का कोलैब था ना वो तो छोड़ दो, मतलब वो खुद कंपनी चलकर, मतलब ब्रांड खुद चलकर आई थी मेरे पास, ये ब्रांड भी खुद चलकर आई बट पेड. तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ क्योंकि वो मेरी स्ट्रेचिंग से, मेरे वर्कआउट से काफ़ी इंप्रेसिव थे. तो उन्होंने मुझे योगा मैट भेजा, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उसकी. मेरे पास है इवन एक नहीं है, दो भेजने बाद में एक और फिर उन्होंने भेजा मुझे. स्वास्थ्य का योगा लाइफ है, उनका आपको लिंक नीचे दे दूंगी मैं अगर आपको मैट लेना हो तो. तो उन्होंने मुझे भेजा था, मैंने पेड कोलैबोरेशन किया था. जब मुझे पे हुआ उसमें, मेरे पास जब पैसे आए और जब मुझे वो मैट मिला, तब मुझे फील हुआ कि यार प्रोडक्ट भी आपको मिल रहा है, आप अच्छे कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो इससे, इस पर योगा अच्छे से कर सकते हो, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, और सेकंड आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. तब मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ जस्ट कि मुझे भी कोलैबोरेशन करना चाहिए. सो तब मैंने स्टार्ट किया कोलैबोरेशन. तो तब भी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि कैसे करते हैं, ये तो चलो चल के आ गई ब्रांड मेरे पास स्वास्थ्य का योगा लाइफ. अब और किसी को क्या पता है कि राजीव पुनी नाम की लड़की है, इंस्टाग्राम भी आईडी है उसके फॉलोवर्स हैं, और उसको हम जाके भेजें प्रोडक्ट्स और वो स्टार्ट करें, कंटेंट क्रिएट करें. तो मैं कैसे, उनको क्या पता, भीड़ लगी हुई है, सब कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, बहुत से ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े हैं, सबके पास, किसी के पास मिलियन है, किसी के पास लैक्स में है फॉलोवर्स, तो वो कहाँ हमें देखते हैं. तो ऐसे ही मेरे दिमाग में काफ़ी चला. फिर फाइनली मैंने यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स को देखना शुरू किया कि वो कैसे करते हैं, उनकी स्टोरीज देखना शुरू किया, वीडियोस देखना शुरू किया. तो वहाँ से मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कुछ खुद मैंने अपने दिमाग से समझा कि कैसे करते हैं. तो फाइनली मैंने समझ लिया, फिर मैंने वो जो भी होता है प्रिपेयर किया मैंने, और फिर मैं ब्रांड्स के साथ जुड़ी और कोलैबोरेशन करने लगी. और ऐसा कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में तो चलो हफ्ते में कोई 2 या 3 प्रोडक्ट रिसीव होते थे, अब ये टाइम आ चुका कि एक दिन के अंदर 3-3 या 4-4 प्रोडक्ट रिसीव होते हैं, और मैं इतना मतलब इरिटेट हो चुकी हूँ बॉक्स को ओपन करते करते, एक्साइटमेंट मर चुकी है कि बॉक्स के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा. शुरू में बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि बॉक्स में क्या होगा, बॉक्स में क्या होगा, इस तरीके से. अब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कई कई बार तो 3-3 दिन बॉक्स वैसे ही बंद पड़ा रहता है, खोलती तक नहीं. तो
ये टाइम धीरे धीरे बदलता है ना, जैसे कोलैबोरेशन आप भी जब स्टार्ट करोगे तो आप भी स्टार्टिंग में ऐसे ही होगा, शुरू शुरू के 2 से 3 हफ्ते तो आप भी आराम से खोलोगे, एक्साइटेड होगे कि हाँ इससे ये कंटेंट क्रिएट करूंगा, इससे ये कंटेंट क्रिएट करूंगी, लेकिन धीरे 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 एक्साइटमेंट वो मर जाती है जैसे जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। वो ये मेरी जर्नी थी। अब मैंने क्या किया था, कैसे स्टार्ट किया था, वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। करते हैं कोलैबोरेशन क्या होता है। कोलैबोरेशन वो होता है जिससे इन्फ्लुएंसर को भी फ़ायदा होता है और ब्रांड को भी फ़ायदा होता है, तो वो कोलैबोरेशन कहलाता है। दोनों मिलके कुछ क्रिएट करते हैं, वो कोलैबोरेशन होता है। लाइक अगर ब्रांड आपको प्रोडक्ट भेज रही है, आप उसके बदले में पोस्ट दोगे, वीडियो दोगे, रील दोगे, फेसबुक पे पोस्ट दो, कुछ भी दो, आप उसके बदले में कुछ दे रहे हो उनको, और उनको क्या मिल रहा है इसके बदले, रीच मिल रही है, उनके उनकी जो ब्रांड है उनको ब्रांड प्रमोट हो रही है, लोगों तक जा रही है, लोगों को नोन में आ रही है कि भाई हाँ ये ब्रांड है, ये कुछ इस तरह। आपने सुना होगा शुगर कॉस्मेटिक का, शुगर कॉस्मेटिक जब स्टार्टिंग में थे उनके मेकअप प्रोडक्ट्स को कोई नहीं जानता था, धीरे धीरे शुगर कॉस्मेटिक ने ये ना कोलैबोरेशन स्टार्ट किया ब्लॉगर्स के साथ, लाइक जैसे अंकिता है, श्रेया जैन है, ज्योति सेठी हैं, बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको प्रोडक्ट भेजे, क्योंकि उनके साथ दुनिया जुड़ी हुई है, लड़कियां जुड़ी हुई हैं, तो लड़कियों ने देखा कि भी हाँ ये भी प्रोडक्ट है कुछ मेकअप के, तो हम क्यों ना इस ब्रांड के ट्राई करें, तो लोगों ने ट्राई किया और आज देख सकते हो शुगर ने बहुत बड़ा स्थान ले लिया है हर मेकअप, मतलब कह सकते हो कई ब्रांड को पीछे छोड़ दिया, इतनी शुगर आगे आ चुकी है। तो वो सारा कमाल उसकी कोलैबोरेशन का, बाकी क्वालिटी उसकी है वो अलग बात है। तो जस्ट मैं बता रही हूँ ये होता है कोलैबोरेशन। तो इस तरीके दोनों को फायदा होता है, इन्फ्लुएंसर उससे अपने कंटेंट क्रिएट कर लेता है और उनको अपनी ब्रांड में फायदा हो जाता है, रीच मिलती है ज़्यादा। अब बात करते हैं कोलैबोरेशन कितने टाइप का होता है। कोलैबोरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है बार्टर, एक होता है पेड। बार्टर और पेड दो तरह का कोलैबोरेशन होता है। जो बार्टर कोलैबोरेशन होता है ये भी आगे दो तरह का होता है, बट पहले हम बात कर रहे थे बार्टर होता क्या है। बार्टर कोलैबोरेशन वो होता है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता है, लाइक पोस्ट रील जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये सब देना पड़ता है। अब बार्टर कोलैबोरेशन जो दो तरह का होता है, एक तो होता है कि आपको प्रोडक्ट सीधा ब्रांड भेजती है, आप उसमें पोस्ट रील या जो भी उससे कॉन्टेंट क्रिएट करते हो और उनको भेज देते हो, ये सिंपल। एक सेकेंड बार्टर में होता है कि आपको प्रोडक्ट भेजेगी लेकिन उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। जैसे कई बार देखा होगा अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट कुछ आते हैं आपके पास, मेरे पास कई आए हैं, उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। फर्स्टली पेमेंट आप करोगे, प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जितने का भी प्रोडक्ट है 2,000, 3,000, 500, 200, 300, 30 रुपये का वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, आपने पे कर दिया, आपने उससे पोस्ट रील जो भी उनकी डिमांड थी वो आपने दे दिया, उसके बाद वो आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे सेम एज ए वो बार्टर ही है। मतलब आपका कुछ नहीं गया, जस्ट बीच में जो 5-6 दिन का गैप होगा उस टाइम के लिए आपके अकाउंट में से पेमेंट कट जाती है, पेमेंट आपको वापस मिल जाती है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ को तो अमेज़न जैसे रिव्यू चाहिए होते हैं, तो आप अपनी आईडी लगाकर अपने यू नो आपकी ऐप से आप ऑर्डर करोगे तभी जाना जाएगा ना कि आपने ऑर्डर किया है, तो फिर ही आप रिव्यू दे पाओगे, इसलिए आपको खरीदना पड़ता है, तो वो आपको पेमेंट रिटर्न कर देते हैं बाद में। सेकेंड थिंग वो इसलिए करते हैं ये चीज़, कई बार क्या होता है जो इन्फ्लुएंसर होते हैं प्रोडक्ट तो ले लेते हैं बट वो डिलीवर के अंदर कुछ भी नहीं देते उनको, ना पोस्ट ना रील ना वीडियो, तो ऐसे में उनको काफ़ी नुकसान होता है। अब बात करते हैं हम पेड कोलैबोरेशन की। पेड कोलैबोरेशन में आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिलते हैं और आपको उसके पैसे भी मिलते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया कि मुझे स्टार्टिंग में योगा मैट भी मिला, उस पर मैंने योगा भी किया, कंटेंट भी क्रिएट किया और मुझे उसके चार्जेस भी मिले, मुझे उसके पैसे भी मिले, तो ये ज़्यादा फायदा हो जाता है पेड कोलैबोरेशन। लेकिन पेड कोलैबोरेशन तक पहुँचने में टाइम लगता है, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, आपकी आईडी में दम होना चाहिए, आपके इन फॉलोवर्स में दम होना चाहिए, आपके सब्सक्राइबर में दम होना चाहिए, लाइक वो आपको फॉलो करें तब आपको पेड मिलता है, तभी वो आपको पैसे देंगे, प्रोडक्ट देंगे, आप कंटेंट क्रिएट करोगे, लोग उनकी ब्रांड पे जाकर उनकी साइट पर जाके वो कुछ खरीदेंगे, तो ये होता है कोलैबोरेशन, बार्टर और पेड कोलैबोरेशन। अब हम बात करते हैं कि बार्टर कोलैबोरेशन कौन स्टार्ट कर सकता है। जिसके पास 1,000 फॉलोवर हैं, 2,000 फॉलोवर हैं, वो भी बार्टर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1,000 फॉलोवर हैं, एक बात और बता देती हूँ, अब ये नहीं कि इसके पास तो 15,000 हैं, 20,000 हैं, 1,00,000 हैं, 2,00,000 हैं तो ये अच्छे से कर सकता है, कभी भी मतलब फॉलोवर्स मैटर करते हैं बट इतने मैटर नहीं करते जितनी आपकी रीच और एंगेजमेंट मैटर करती है इंस्टाग्राम पे। लाइक आपके पास आप फेक फॉलोवर्स ले लो, तो आपके पास फॉलोवर्स 30,000 हैं बट आपको लाइक सिर्फ 100 आ रहे हैं, तो कोई ब्रांड आपके साथ जुड़ेगी, वो सोचेगी यार ऑल मतलब फेक फॉलोवर्स लेके बैठे हैं और 100 लाइक आ रहे हैं जस्ट इनको, और कमेंट जस्ट मसा तसा एक कमेंट, तो वो नहीं जुड़ेगी। आपके पास चाहे फॉलोवर्स 5,000 ही हैं या 3,000 लेकिन आपके पास लाइक 500, 600, 700 हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि जो रियल लोग हैं, जेन्युइन हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपको लाइक कर रहे हैं, तो ब्रांड्स आपके साथ जुड़ती हैं। तो इस तरीके से आप बार्टर और पेड कोलैबोरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि आप स्टार्ट कैसे करो, अभी वैलेंट में बोली स्टार्ट कर सकते हो बट स्टार्ट कैसे करें, ये तो मैंने बता दिया, बार्टर होता है, पेड होता है, दो तरीके का होता है, बार्टर भी दो तरीके का होता है, वो भी मैंने बता दिया, पर अब स्टार्ट कैसे करें। ओके, अब हम बात करते हैं स्टार्ट की। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए मीडिया किट।
मीडिया किट क्या होती है, जिसके अंदर आपका नाम होता है, जिसके अंदर आपका एड्रेस होता है, जिसके अंदर आपका ओहदा होता है, लाइक किस स्टेज पे आप हो, लाइक आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप कुछ स्टाइलर हो, ट्रैवलर हो, आप फिटनेस में हो, आप क्या हो, आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैं मॉडल हूँ एज वेल एज ए फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैं ये मेंशन करती हूँ अपनी मीडिया किट के अंदर, राजू कुरकुन्नी, आई एम डायडम मिस इंडिया फर्स्ट रनर अप एज वेल एज फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाता है, फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाती है, फिर आपका ईमेल आईडी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये सब तैयार करने के बाद लिंक कहाँ कहाँ आप सोशल मीडिया पर हो, आप ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर अगर आपका चैनल है तो इंस्टाग्राम का लिंक तो देना ही देना है, इन सब का लिंक बीच में डाल के एक मीडिया किट तैयार कर लो। वो कोई ब्रांड आपके पास आती है चल के, चाहे बाटर है, चाहे पेड है, कुछ भी है, तो उनको आप भेजो। एक अच्छा प्रोफेशनल ये तरीका लगता है, उनको भी लगता है कि भी हाँ इसको नॉलेज है कलेबरेशन की कि कैसे करते हैं, मतलब पूरी डिटेल भेजिए, हमें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा चल के आगे से कि हमें ये भेज दो, आपका पिन कोड भेज दो, आपका नंबर भेज दो, अब पूरी डिटेल भेज दी आपने कि मैं ये हूँ, इस ओहदे पे हूँ, इस पर वर्क करता हूँ, ये एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट है, ये मेल आई डी है और ये मेरी लिंक है। इतनी लिंक खोलेंगे तो सबको पता लग जाएगा कितनी इसकी रीच है, एंगेजमेंट है ना। तो ये मीडिया किट होती है, तो आप इसे तैयार करें, जब भी आपके पास कोई ब्रांड आती है तो आप उसे भेज दें। अब लास्ट क्वेश्चन, यार ब्रांड कैसे आएगी, मीडिया किट रेडी होगी, पता लग गया कलेबरेशन, अब ब्रांड कैसे आएंगे, वही बात कि किसको पता है राजीव पुन्नी कौन है, इतनी भीड़ लगी हुई है, तो ब्रांड कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है ब्रांड को खुद के लिए, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ब्रांड को अपने पास लाने के लिए हैशटैग कलेबरेशन के। आप गूगल पे सर्च कर लो, कलेबरेशन कर लो, क्लैब कर लो, पेड बाटर दोनों करके, इस तरीके से कलेबरेशन के हैशटैग अपनी जो पोस्ट डालते हो, वीडियो डालते हो, उसके अंदर लगाओ, उसके अंदर लगाना शुरू करो, पोस्ट में लगाना शुरू करो। वो हैशटैग ही ब्रांड्स को तक बताएंगी कि आप लोग हो जो कंटेंट क्रिएट करते हो या करना चाहते हो, कलेबरेशन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो कंटेंट क्रिएट करने के अंदर, तो वो ब्रांड्स आपके पास चलकर आएंगी। ये तरीका होता है हैशटैग, तो मैंने हैशटैग यूज़ करने शुरू किए थे। एंड सेकंड थिंग कि जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो खुद अभी स्टार्टअप करते हैं, जिनके खुद के 500 600 हज़ार फॉलोवर होते हैं, वो स्टार्टअप करते हैं, तो आप वो जो मीडिया किट जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप मीडिया किट बिना उनके कोई बात किए, बिना कुछ किए, आप सीधा उनको DM कर सकते हो। अगर वो चाहें तो बोल दें कि ओके आप खुद चलकर आ रहे हो, हमारे साथ करना चाहते हो, हम भी स्टार्टअप हैं, आप भी स्टार्टअप हो, तो हम क्यों ना मिलकर दोनों कुछ करें, पे ऑब्वियसली वो बाटर ही होगा। अगर वो ये कहें कि आपको पहले पे करना पड़ेगा हम आपको, तो वो भी बहुत अच्छा है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो मीडिया किट आप डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हो छोटी छोटी ब्रांड्स को, मैं बड़ी बड़ी की बात नहीं कर रही, बड़ी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो ये तरीका है क्लैब करने का, मीडिया किट रेडी करो अपनी, छोटी छोटी ब्रांड्स को आप खुद से भेजना शुरू कर दो अगर वो आपके पास नहीं चलकर आ रहे, और हैशटैग जरूर यूज़ करो। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मेन जो मीडिया किट रेडी करो, हैशटैग यूज़ करो। अगर ब्रांड्स को नहीं पता कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, इट्स ओके, आप खुद उनकी आईडी पर जाके उनको DM कर दो अपनी मीडिया किट। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो सीन करके आगे आपको रिप्लाई कर देंगे, अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो सीन करके छोड़ देंगे, तो आपका क्या जाता है यार, सही है ना, तो क्या जाता है। तो ये तीन चीज़ें आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, श्योर मैं 101% कहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो आपको जरूर जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरी जर्नी थी और ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे आप क्लैब कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल ऐसे ही क्लैब स्टार्ट किया और आज मेरा कलेबरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कल के यहाँ तक कि एक बार बता देती हूँ, हुक मेकअप नाम से एक ब्रांड है, इंस्टाग्राम पे आईडी है, एक टाइम था मैं उससे मेकअप खरीदने के लिए सोच रही थी, तो आज उसकी तरफ से मुझे आई शेड पैलेट काफ़ी सारी क्लैब में आई है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से आप भी स्टार्ट कीजिए, आज से ही कीजिए, चाहे कितने भी फॉलोवर हैं, डजेंट मैटर, मीडिया किट रेडी कीजिए, हैशटैग यूज़ कीजिए और छोटे छोटे ब्रांड्स को अपनी मीडिया किट भेजना शुरू करिए, आपको भी जरूर क्लैब मिलेगा। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी आगे की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी वो आप तक आ जाएं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो और बहुत लेकर आऊँ कि ऐसी वीडियो शूट कर सकते हो आप बिना इक्विपमेंट के, कि कोई ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े कैमरों की, कोई ज़रूरी नहीं रिंग लाइट्स की, आप नॉर्मल एक नेचुरल लाइट्स के अंदर बैठ के सिटिंग में आप वीडियो शूट कर सकते हो। ऐसी वीडियोज़ मैं और बहुत लेकर आऊँगी जो आपकी बहुत फायदे के लिए होंगी। तो ये आज की वीडियो थी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।